सकते हैं, बच्चों को तो बहुत ही मज़ा आएगा और ये बहुत हेल्दी भी होता है। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले अपने इंग्रीडियंट्स। हमने लिया है थोड़ा सा बनाना, टू बनाना और टू पीसेस, वन पीस बनाना का डेकोरेशन के लिए। हमने लिया है थोड़ा सा शुगर, वन ग्लास मिल्क, थोड़ा सा एलमंड और डेकोरेशन के लिए रूह अफ़ज़ा और चॉप्ड एलमंड। अब हम अपने बनाना को सबसे पहले ग्राइंडर में डाल देंगे। इसके बाद इसमें 3 to 4 स्पून शुगर डाल देंगे। और इसमें 6 to 7 आलमंड डाल देंगे। देखिए तो हमने हमारा बनाना शेक बहुत अच्छा बनके रेडी हुआ है। वाओ, देखिए कितना प्यारा लग रहा है देखने में। अब हम एक ग्लास लेंगे अपने डेकोरेशन के लिए और 1 स्पून गुलाब जामुन लेकर इसे ग्लास से टच करा। देखिए हमने अपना ग्लास डेकोरेट कर दिया है और एक पीस बनाना इधर लगा दिया है। अब हम अपना बनाना शेक इसमें डाल देंगे। देखिए कुछ इस तरह। और इस पर फिर डिजाइन के लिए ऊपर ऊपर थोड़ा सा चॉप्ड आलमंड डालेंगे। देखिए और हम अब इस पर एक स्ट्रॉ लगा देंगे। देखिए हमारा बनाना शेक बनके रेडी है। कितना अच्छा लग रहा है और कितना डिजाइनिंग लग रहा है। आप घर पर इसे बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत टेस्टी भी है, बहुत हेल्दी भी है और बच्चों को खाने में इसे बहुत मजा आएगा। ओके।